उत्तर प्रदेश में कल लगे चंद्रग्रहण के बाद आज सुबह लोगों ने प्रयागराज संगम घाट पर स्नान किया। मणिपुर हिंसा के बाद इम्फाल में पेट्रोल पंप के सामने लंबी लंबी लाइनें लगी, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। जम्मू कश्मीर के बारामूला के कहरामा कुंजर इलाके में आतंकवादियों सुरक्षा कर्मचारियों के बीच मुठभेड़ जारी है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि मणिपुर में जो हिंसा हुई, उसके लिए भारत सरकार और गृह मंत्रालय की तरफ से जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जब दो समुदायों के बीच इस तरह की घटनाएं होती है तो बहुत दुख होता है। जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रजौरी में आर्मी कैंप में जवानों से बातचीत की। कांग्रेस ने वर्षों तक भगवान राम को ताले में बंद कर रखा था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है। कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग बली का अपमान किया। इसके अलावा उनका एक बड़ा नेता बोलता कि बजरंग बली की जन्मतिथि क्या है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर जलंधर पंजाब कांग्रेस बोर्ड की ओर तुष्टिकरण की राजनीति के लिए किसी भी स्तर तक गिर सकती है। वो राम को काल्पनिक भी बता सकते हैं, रामलला का मंदिर बनने में अवरोध पैदा कर सकते हैं और बजरंग बली पर उनके बयान शर्मनाक थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में कहा कि जिन्हें एक भारत श्रेष्ठ अच्छा नहीं लगता, वह PFI जैसे संगठनों को उन्मुक्त कर समाज विरोधी गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। राष्ट्रवाद के लिए समर्पित बजरंग दल को बैन करने की बात कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्पर सिंह रानी ने कहा कि दो शहीदों के पार्थिव शरीर जहाँ पहुंचे हैं, मैं उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का त्याग किया है। हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे, हम पूरे मामले की जांच करेंगे और अगर कुछ गलत किया या ऐसा करने का किसी का इरादा है तो कानून अपनी कार्रवाई करेगा। कांग्रेस नेता रणबीर सुरजेवाला के मल्लिका अर्जुन खड़गे वाले बयान पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने ये बात कही।